Hello everyone, I am going to start rest topics from chapter number 1. So, इस chapter के अंदर हमारे जितने भी topics बाकी थे, वो topics हम लोग इस video lectures के through study करेंगे. तो, first chapter में, जहां से मैं आपको इस chapter वापस करवाऊंगा, वो topic पहला रहेगा हमारा electric dipole. Then, electric field due to dipole on axial line and equatorial line. Then, we are going to discuss torque acting on a dipole. Charge distribution, electric flux and the final topic will be Gauss law and its applications. तो इतने सारे topics हम लोग chapter number 1 के cover करेंगे. उसके साथ आपको notes भी बनानी है इस chapter के लिए और सारे numericals भी मैं आपको solve कराऊंगा NCERT के. और इसके साथ में जो आपने second chapter start किया है उसकी भी notes बनानी है. So, आज पहला topic start करेंगे हम लोग electric dipole. वैसे आपको ये मैंने बेसिक डिटेल दिया होगा इलेक्ट्रिक डाइपोल का क्लास में, बट हम लोग वापस से स्टार्ट करते हैं. व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल? सो एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज अ सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 2 है. मतलब हमारे पास पॉइंट चार्ज है, हमने पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया, दो पॉइंट चार्ज के बीच में कूलम फोर्स का भी फॉर्मूला डिराइव किया, उसके बाद सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए भी ये फॉर्मूला डिराइव किया, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल भी हमने स्टडी किया था. अब नेक्स्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल जब आएगा तो इलेक्ट्रिक डाइपोल ऐसी सिस्टम हमने कंसीडर करी जहां पे दो चार्जेस होंगे प्लस क्यू एंड माइनस क्यू. मतलब ये दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड सेम है बट पोलारिटी देखिए आप, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है. तो इलेक्ट्रिक डाइपोल ऐसी सिस्टम होगी जो दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस से बनी है और इस दोनों चार्जेस को हमने सेपरेट किया है डिस्टेंस 2a से. तो ये दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस हो गया 2a. सो ऐसे हमने एक सिस्टम बनाई. अब इसी सिस्टम को हम लोग फर्दर स्टडी करना स्टार्ट करेंगे. तो इस डाइपोल की बेसिक प्रॉपर्टीज क्या होंगी और नेचर में हमारे पास डाइपोल हमने जितनी भी स्टडी की, मतलब हमने जब भी पोलार मॉलिक्यूल्स देंगे, आपने केमिस्ट्री में पोलार मॉलिक्यूल्स भी स्टडी किए हैं, तो डाइपोल का इस चैप्टर में स्टडी करने का मेन रीजन जो नेचर में हमारे पास मैक्सिमम जो मॉलिक्यूल्स है, कंपाउंड्स है, उसमें हमें डाइपोल ऑलवेज मिलेगा. तो उस डाइपोल का स्टडी करना इम्पोर्टेंट है, इसलिए हमने इस चैप्टर में इस डाइपोल टॉपिक को भी कवर किया है. तो डाइपोल का मतलब हो जाएगा उसके पास दो पोलारिटी होगी और उस पोलारिटी में भी हमने स्पेसिफाई किया कि ऐसे दो चार्जेस है जिसके मैग्नीट्यूड सेम है बट पोलारिटी डिफरेंट है और वो दोनों चार्जेस के सेंटर कभी भी कोइंसाइडेड नहीं होंगे. तो वो दोनों चार्जेस के बीच का एक डिस्टेंस भी होगा 2a. तो ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हमने नेचर में स्टडी भी किए हैं जहां पे हमें परमानेंट पोलार मॉलिक्यूल्स दिखते हैं, मतलब वहां पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के सेंटर्स कोइंसाइडेड नहीं होते. तो इसी इलेक्ट्रिक डाइपोल का फर्दर प्रॉपर्टीज क्या होगा, मतलब कैसे इसको डिफाइन करेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज क्या होगी, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सी होगी, तो ये सारे बेसिक पॉइंट्स हम इस थियरी में कवर करेंगे. सो बाय कन्वेंशन डायरेक्शन ऑफ द डाइपोल इज फ्रॉम माइनस क्यू टू प्लस क्यू. मतलब डाइपोल की डायरेक्शन होती है माइनस क्यू टू प्लस क्यू, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है प्लस क्यू टू माइनस क्यू. तो एक पॉइंट यहां पे आपको याद रखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन से अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक डायपोल की डायरेक्शन होगी. द मिड पॉइंट ऑफ द लोकेशन ऑफ माइनस क्यू एंड प्लस क्यू इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ द डायपोल. मतलब ये माइनस क्यू एंड प्लस क्यू इसके बीच का ये मिड पॉइंट हमने ले लिया, इस मिड पॉइंट को बोलेंगे हम लोग सेंटर ऑफ द डायपोल. मतलब अब जब भी कोई डाइपोल से एक पॉइंट का डिस्टेंस मेजर करना होगा, फॉर एग्जांपल इस डाइपोल से आपको दिया है ये पॉइंट पी का डिस्टेंस, तो इस पॉइंट का डिस्टेंस डाइपोल से कैसे मेजर करेंगे हम लोग, तो ऑलवेज ये डिस्टेंस मेजर किया जाएगा डाइपोल के सेंटर से. तो इसीलिए ये मिड पॉइंट इंपॉर्टेंट है और ये फर्दर जो थियरी हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सिस एंड इक्वेटर के लिए, तब वो आपको रीजन भी इसका क्लियर हो जाएगा. सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ये फोर्थ प्रॉपर्टी सबसे इंपॉर्टेंट है, द टोटल चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल इज जीरो, बिकॉज एक चार्ज है प्लस क्यू, दूसरा चार्ज होगा माइनस क्यू, तो नेट चार्ज कितना हो जाएगा जीरो. देन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ये एक नई फिजिकल क्वांटिटी आएगी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट. अब इसकी रिक्वायरमेंट और ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता क्या है,
अब नेचर में हमारे पास इतने सारे डाइपोल्स है, अब उसमें से कौन से डाइपोल की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी? तो डाइपोल की स्ट्रेंथ के लिए हमने एक फिजिकल क्वांटिटी यहाँ पे डिफाइन की है, वो होगी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। डाइपोल के पास बेसिकली चार्ज एंड डिस्टेंस ही है, तो इसी क्वांटिटी को लेके हमने डाइपोल मोमेंट को डिफाइन किया। डाइपोल मोमेंट को डिफाइन करेंगे स्मॉल पी, मतलब वेक्टर पी से, विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वन ऑफ द चार्ज 2aq। तो ये एक क्वांटिटी हो गई इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, जिससे कोई भी डाइपोल की स्ट्रेंथ मेजर कर सकते हैं हम लोग। तो नेचर में हमारे पास जितनी भी डाइपोल होगी, उस डाइपोल से दूसरी डाइपोल की स्ट्रेंथ कितनी होगी, तो स्ट्रेंथ को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक फिजिकल क्वांटिटी है डाइपोल मोमेंट। ये हो गया डिस्टेंस, ये हो गया चार्ज, मतलब कूलम इनटू मीटर। और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला देखेंगे तो कूलम मतलब हो जाएगा A1 T1 एंड मीटर मतलब हो जाएगा L1। तो ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। एंड इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द चार्ज। मैथमेटिकली P इज इक्वल टू 2a × q। यूनिट क्या हो जाएगा, कूलम मीटर, C कैपिटल C इंटू स्मॉल m है, ये सेंटीमीटर रीड नहीं करना है, कूलम इंटू मीटर। देन डायमेंशनल फॉर्मूला L1 A1 T1। तो ये बेसिक डेफिनेशन और प्रॉपर्टीज हो गई इलेक्ट्रिक डायपोल की। अब इसी इलेक्ट्रिक डायपोल को यूज करना है हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए, और इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग कैलकुलेट करेंगे दो डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पे। तो पहला पॉइंट हो जाएगा एक्सिस, एक्सियल लाइन पे पॉइंट, और दूसरा पॉइंट हो जाएगा इक्वेटोरियल लाइन पे पॉइंट। अब एक्सियल लाइन एंड इक्वेटोरियल लाइन किसको बोलेंगे, ये पहले एक्सप्लेन करता हूं मैं आपको। ये सपोज हमने -q + q, ये हो गया डाइपोल, डाइपोल के बीच का डिस्टेंस हो जाएगा 2a। डाइपोल के लिए इसकी डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन, डाइपोल की डायरेक्शन कौन सी होगी, तो हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है +2 - इससे अपोजिट होगा डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन। अब ये जो लाइन है जो ये दोनों चार्ज को कनेक्ट करेगी, इसी लाइन को मैंने एक्सटेंड किया दोनों तरफ से, तो इस लाइन पे जो भी पॉइंट बनेगा, ये पॉइंट पी यहां पे रखू या सेंटर पे रखू या फिर यहां पे रखू, कहीं पे भी रखू, ये पॉइंट पी, ये इसको हम लोग मानेंगे कि ये पॉइंट पी कहाँ पे है, डाइपोल की एक्सिस के ऊपर। तो ये वाली जो लाइन होगी जो डाइपोल के दोनों चार्जेस को कनेक्ट करेगी, उसी लाइन को बोलेंगे हम लोग एक्सियल लाइन। इस लाइन पे जो जितने भी पॉइंट मिलेंगे वो सारे पॉइंट होंगे एक्सियल पॉइंट्स। अब ये डाइपोल हो गया और ये इसका सेंटर हो गया। अब जो ये डाइपोल की एक्सिस है, इस एक्सिस से परपेंडिकुलर लाइन, और वो लाइन कहाँ से पास करनी है हमें, डाइपोल के सेंटर से, मतलब ये वाली एक लाइन हो गई जिसको बोलेंगे हम लोग इक्वेटोरियल लाइन। इस लाइन पे जितने भी पॉइंट होंगे इसको बोलेंगे इक्वेटोरियल पॉइंट्स। तो ये एक्सियल लाइन और ये हो गई इक्वेटोरियल लाइन। तो ये दोनों थियरी हमें डिटेल में 2 मार्क्स के लिए स्टडी करनी है, बिकॉज इस चैप्टर में से 2 मार्क्स की कोई भी थियरी आ सकती है, और ये दोनों थियरी सबसे इम्पोर्टेंट थियरी है। तो आपको इस दोनों थियरी को प्रॉपरली प्रैक्टिस के साथ प्रिपेयर करना है, बिकॉज इसमें मैथमेटिकल टर्म्स ज्यादा है। तो पहली थियरी स्टार्ट करते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन एक्सियल पॉइंट। तो सबसे पहले ये थियरी स्टार्ट करेंगे तो उसका डायग्राम सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा। तो थियरी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इसका डायग्राम एक्सप्लेन करता हूँ। मतलब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें कैलकुलेट करना है एक्सियल लाइन के ऊपर। तो पहले तो हम लोग डाइपोल बनाएंगे यहाँ पे। यहाँ पे हमने मान लिया ये +q, यहाँ पे हमने मान लिया ये -q। दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस हो गया 2a। तो ये डाइपोल की बेसिक डेफिनेशन हो गई, मतलब डाइपोल को हमने डिफाइन कर दिया, दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, और दोनों चार्जेस को सेपरेट किया है 2a डिस्टेंस से। अब इस
एक्सियल लाइन पे, मतलब ये दोनों चार्ज को जो लाइन कनेक्ट करेगी उस लाइन पे एक पॉइंट कंसिडर करते हैं हम लोग। सपोज मैंने ये पॉइंट कंसिडर किया पॉइंट पी। नाउ पॉइंट पी का डिस्टेंस डाइपोल से, तो मैंने आपको बताया था जब भी कोई भी पॉइंट को हम लोग डिफाइन करेंगे तो उस पॉइंट को हमें मेजर करना है डाइपोल के सेंटर से। तो ये हो गया मिड पॉइंट। तो इस मिड पॉइंट से यहां तक का डिस्टेंस हम लोग सपोज करते हैं एक्स। ये डिस्टेंस इतना हो गया एक्स। अब सेकेंड थिंग, ये टू वे डिस्टेंस है, ये मिड पॉइंट है, तो इतना डिस्टेंस हो जाएगा स्मॉल ए और ये डिस्टेंस भी हो जाएगा स्मॉल ए। अब जब भी हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का बेसिक फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए फॉर्मूला जो हम यूज करते हैं वो E इज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर। अब ये आर क्या दिखाएगा, तो आर मतलब उस चार्ज से उस पॉइंट तक का डिस्टेंस। तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमें ये दो चार्जेस की वजह से मिलेंगे, प्लस क्यू एंड माइनस क्यू। तो ये प्लस क्यू का डिस्टेंस पॉइंट पी पी तक का, मतलब ये पॉइंट पी से प्लस क्यू का डिस्टेंस भी पता होना चाहिए और ये पॉइंट पी से माइनस क्यू का डिस्टेंस भी पता होना चाहिए। तो इस डायग्राम का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होगा डिस्टेंस का कैलकुलेशन। तो यहां पे आप देखिए ये टू वे डिस्टेंस, इसको हमने हाफ ऑफ डिवाइड कर दिया मिड पॉइंट से स्मॉल ए स्मॉल ए। ये इतना डिस्टेंस हो गया स्मॉल एक्स। अब अगर प्लस क्यू से डिस्टेंस मेजर करेंगे तो इतना डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो ये टोटल डिस्टेंस है एक्स, इसमें से अगर मैं ये स्मॉल ए माइनस कर दूं तो इतना डिस्टेंस बचेगा। तो ये डिस्टेंस कौन सा हो जाएगा, पॉइंट पी से पॉजिटिव क्यू का डिस्टेंस। तो ये लिखेंगे हम लोग एक्स माइनस ए। सिमिलरली अगर माइनस क्यू से डिस्टेंस मेजर करेंगे तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो ये टोटल डिस्टेंस हो गया एक्स और ये बाकी का डिस्टेंस स्मॉल ए। तो इसका मतलब ये हो जाएगा एक्स प्लस ए। तो इस डायग्राम में ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट रहेगा, आप डिस्टेंस को कैसे कैलकुलेट करोगे, कहाँ से मेजर करना है आपको। तो वापस मैं आपको एक बार रिवाइज करवाता हूँ इसका। पहले डाइपोल को कंसिडर किया हमने, प्लस क्यू माइनस क्यू, दोनों डाइपोल के बीच का डिस्टेंस हो गया टू ए। मिड पॉइंट से उनको डिवाइड किया स्मॉल ए, स्मॉल ए के अंदर मिड पॉइंट को नाम देते हम लोग ओ। अब प्लस क्यू से पॉइंट पी का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये एक्स माइनस है, बिकॉज ये टोटल डिस्टेंस होगा एक्स और उसमें से हम ए को माइनस करेंगे तो इतना डिस्टेंस बचेगा एक्स माइनस ए। सिमिलरली माइनस क्यू का पॉइंट पी तक का डिस्टेंस, तो ये इतना डिस्टेंस। अब इतने डिस्टेंस के अंदर हमारे पास स्मॉल एक्स अवेलेबल है, अगर स्मॉल एक्स में ये स्मॉल ए की वैल्यू ऐड करूंगा तो ये टोटल डिस्टेंस मिलेगा एक्स प्लस ए। तो ऐसे डिस्टेंस कैलकुलेट करने के बाद अब थियोरी अप्लाई करना है, मतलब जो भी फॉर्मूला हमारे पास है फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सो थियोरी स्टार्ट करते, ये बेसिक डायग्राम है, डायग्राम में वापस आपको थियोरी में एक्सप्लेन भी करूंगा और इसकी नोट्स आपको बनानी है खास, बिकॉज इसमें अब मैथमेटिकल स्टेप स्टार्ट होंगे। सो ये प्लस क्यू ये माइनस क्यू दोनों पॉइंट चार्ज के बीच का डिस्टेंस टू ए, ये स्मॉल ए मिड पॉइंट से, प्लस क्यू का डिस्टेंस हो जाएगा, यहाँ पे मैंने आर कंसिडर किया है तो आर भी ले सकते हो आप, एक्स भी ले सकते हो, कोई भी डिस्टेंस आप कंसिडर कर सकते हो। आर माइनस है और माइनस क्यू से डिस्टेंस हो जाएगा आर प्लस ए, यहां तक का डिस्टेंस। सो इस डायग्राम को पहले हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं। कंसिडर एन इलेक्ट्रिक डायपोल कंसिस्टिंग ऑफ टू पॉइंट चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू सेपरेटेड बाई टू ए एज शोन इन फिगर। लेट द पॉइंट पी बी एट द डिस्टेंस स्मॉल आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डायपोल ऑन द साइड ऑफ द चार्ज प्लस क्यू। मतलब प्लस क्यू की साइड पे हमने एक पॉइंट पी को कंसिडर किया। अब इस पॉइंट पी पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू एंड माइनस क्यू एट एक्सियल पॉइंट पी। अब कैलकुलेशन स्टार्ट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फॉर्म है तो वेक्टर के साथ मतलब डायरेक्शन के साथ इसका कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे। सो पहली चीज, ये प्लस क्यू है, अगर ये प्लस क्यू है पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज से ऑलवेज इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड्स, ये हमने ऑलरेडी इस चैप्टर में डिस्कस किया है। तो जैसे ये पॉजिटिव चार्ज होगा तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड
रेडियली आउटवर्ड होगी, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू। सेकेंड ये माइनस क्यू, ये माइनस क्यू मतलब इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली इनवर्स, तो इसकी फील्ड इस डायरेक्शन में होगी, ये हो गया ई माइनस क्यू। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको पता होना चाहिए, डिस्टेंस प्लस क्यू से पॉइंट पी का डिस्टेंस कंपेयर टू माइनस क्यू से कम है, और जिसका डिस्टेंस कम होगा इसकी फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, इनवर्स रिलेशन। तो इसीलिए मैंने यहां पे ये एरो की साइज मतलब इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है ई प्लस क्यू का, और इसका मैग्नीट्यूड कम होगा। अब ये दोनों अपोजिट डिरेक्शन में है, तो नेट फील्ड कौन सी डिरेक्शन में मिलेंगी हमें, टूवर्ड्स पॉजिटिव क्यू। तो ये भी एक चीज इस डायग्राम से आपको समझ आनी चाहिए, बिकॉज जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे तो उसका मैग्नीट्यूड इजीली कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग, बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज बाकी रहेगी वो डिरेक्शन। तो डिरेक्शन के लिए आपको यूज करना है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की डिरेक्शन का कंसेप्ट। तो जैसे पॉजिटिव चार्ज आपको दिखेगा तो आपको पॉजिटिव चार्ज के लिए पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड्स होती है, और नेगेटिव चार्ज के लिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली इनवर्ड्स। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड्स दिखाई, और ये रेडियल इसके लिए माइनस क्यू के लिए रेडियली इनवर्ड्स। दोनों के साथ उसका मैग्नीट्यूड भी दिखाना होगा, तो मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो प्लस क्यू ये पॉइंट पी से ज्यादा नजदीक है कंपेयर टू माइनस क्यू, मतलब ये डिस्टेंस कम हो जाएगा तो इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, तो इसलिए ये एरो हमने लार्जर बनाया है कंपेयर टू दिस एरो। और यही से हमें पता चलेगा नेट फील्ड की डिरेक्शन होगी टूवर्ड्स प्लस क्यू, मतलब लेफ्ट साइड पे हमें नेट फील्ड की डिरेक्शन मिलेगी। तो ये एक पॉइंट आपको पता होना चाहिए। सो कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं अभी। E इज इक्वल टू मतलब टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू, तो प्लस क्यू से डिस्टेंस कितना है r माइनस ए, और ये माइनस क्यू से डिस्टेंस कितना है r प्लस ए। डायग्राम को देख के उसके साथ कैलकुलेशन करना है आपको प्रॉपरली, एक भी वैल्यू में मिस्टेक हो गई तो फाइनल आंसर आपको रॉन्ग आ सकता है। तो प्लस क्यू से डिस्टेंस r माइनस ए, माइनस क्यू से डिस्टेंस r प्लस ए, एक बार क्लेरिफाई करके इसके बाद आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो के क्यू अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर, डिस्टेंस हो जाएगा प्लस क्यू के लिए आर माइनस ए होल स्क्वायर, और इसके लिए हो जाएगा माइनस क्यू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन जीरो आर प्लस ए होल स्क्वायर। पी कैप, अब ये जो पी कैप हमने दिखाया है इसका इंपॉर्टेंस समझ लीजिए डायग्राम से। इस डायग्राम से पता चला हमें इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डिरेक्शन कहां पे होगी, लेफ्ट साइड। अब दूसरी चीज, डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन कहां पे होगी, तो डायपोल मोमेंट मैंने आपको स्टार्टिंग में ही जब उसका डेफिनेशन हमने स्टडी किया तभी बताया, डायपोल की डायरेक्शन होगी माइनस क्यू टू प्लस क्यू, मतलब डायपोल की डायरेक्शन लेफ्ट साइड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी लेफ्ट साइड। तो इसका मतलब यह हो गया कि अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बतानी होगी तो उसके लिए हम लोग डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन यूज कर सकते हैं। तो इसीलिए हमने पी कैप यूज किया यहां पे, जो दिखाएगा आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। इसका मतलब ये हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही हमें डायपोल की डायरेक्शन मिलेगी, या फिर डायपोल की डायरेक्शन में ही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मिलेगी, इसीलिए हमने पी कैप यूज किया है। अब नेक्स्ट, यहां से जो कॉमन वैल्यू निकलेगी क्यू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन जीरो, ये वैल्यू कॉमन ले ली, वन अपॉन आर माइनस ए होल स्क्वायर माइनस वन अपॉन आर प्लस ए होल स्क्वायर। अब सिंपली आपको एलसीएम लेना है, और एलसीएम के बाद ब्रैकेट ओपन करके इसका सिंप्लीफाई वर्जन मतलब फाइनल टर्म तक आपको इसको सिंप्लीफाई करना होगा। तो आर प्लस ए होल स्क्वायर माइनस आर माइनस ए होल स्क्वायर, नीचे हो जाएगा डिनोमिनेटर में ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वही कंसेप्ट को यहां पे यूज किया, तो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर, ब्रैकेट के बाद लिखेंगे पी कैप जो डायरेक्शन दिखाएगा। अब एलसीएम स्टार्ट करेंगे हम लोग। अब एलसीएम में मैंने डायरेक्टली स्टेप लिखा है, बिकॉज ये आर प्लस ए होल स्क्वायर हमें पता है, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस टू ए प्लस ए स्क्वायर, और सॉरी टू आर ए प्लस ए स्क्वायर, और इसका हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस टू आर ए प्लस ए स्क्वायर। तो इस चीज को मैंने माइनस के साथ मतलब ब्रैकेट ओपन करके डायरेक्टली लिखा है, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस टू आर ए प्लस ए स्क्वायर माइनस, मैंने डायरेक्टली ब्रैकेट ओपन कर दिया, आर स्क्वायर प्लस टू आर ए माइनस ए स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर पी कैप। तो यहां पे अब
ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट हो जाएगा, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट हो जाएगा, बाकी वैल्यू बचेगी 4RA अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर पी कैप। अब इसमें से हम लोग क्या करेंगे, जो 4 है इसको हम लोग 2 × 2 लिखेंगे। अब आर ए एंड क्यू बचा, आर ए एंड क्यू, इसमें से हम लोग फर्दर लिखेंगे 2AQ को साथ में और बाकी बचेगा 2R। अब इसका रीजन क्या हो गया, हमने सिर्फ टर्म इंटरचेंज किए हैं, कोई कैलकुलेशन नहीं किया या फिर कोई भी हमने टर्म मल्टीप्लाई नहीं किया, हमने सिर्फ इसको रीअरेंज किया है। तो 4 को हमने 2 × 2 में कन्वर्ट किया, बाकी टर्म RA × Q वो एज इट इज लिखे। अब एक 2 के साथ हमने A × Q मल्टीप्लाई किया और दूसरे 2 के साथ हमने R को मल्टीप्लाई किया। अब ये चीज करने का रीजन क्या हो गया, ये 2AQ ये हमें दिखाएगा डाइपोल मोमेंट जो हमने अभी एक नई फिजिकल क्वांटिटी स्टडी की, तो इसीलिए इस टर्म को अरेंज करने के लिए हमने ये रीअरेंजमेंट किया। तो ये 2AQ 2R अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर पी कैप। तो 2AQ के प्लेस पे लिखेंगे हम लोग पी डाइपोल मोमेंट × 2R अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर पी कैप। तो ये इसका फाइनल आंसर हो गया। एक्सिस के लिए जब भी थियरी डिराइव करेंगे तो ये फॉर्मूला इसका बेसिक फॉर्मूला होगा। अब इस फॉर्मूला के अंदर हम लोग और सिंप्लीफिकेशन करेंगे, बट आपने जब भी डाइपोल स्टडी की होगी, केमिस्ट्री में भी आपने पोलार मोलिक्यूल्स देखा होगा, तो दो मोलिक्यूल के बीच का डिस्टेंस ऑलवेज 10⁻⁹, 10⁻⁻⁰ मीटर, इतना स्मॉल डिस्टेंस होता है। तो इसी कंडीशन को यहाँ पे हमने स्टडी की और उसके लिए हमने एक कंडीशन रखी यहाँ पे, आर इज वेरी ग्रेटर देन ए। इसका मतलब ये हो गया कि डाइपोल के सेंटर से जो पॉइंट हमने कंसिडर किया वो डिस्टेंस ये दोनों चार्ज के डिस्टेंस से बहुत ही ज्यादा है। अगर ये कंडीशन फुलफिल करेंगे हम लोग तो इस फॉर्मूला के अंदर हम स्मॉल ए की वैल्यू को निग्लेक्ट करेंगे, तो ऊपर बचेगा P × 2R और नीचे ए स्क्वायर को निग्लेक्ट किया तो R² → 2 मतलब आर स्क्वायर का स्क्वायर हो गया, मतलब R = 4। तो एक आर यहां से कट हो जाएगा तो बाकी बचेगा 2P/R³ और 1/4π ε₀ को हम लोग लिख सकते हैं के कूलम कांस्टेंट, तो 2 kP/R³ भी हो सकता है ये फॉर्मूला। और सेकंड एक चीज आपको पता चलेगी सबसे इम्पोर्टेंट MCQ के लिए, E is inversely proportional to R³। अभी तक हमने स्टडी किया था E is inversely proportional to R², बट ये कंडीशन किसके लिए होती है, पॉइंट चार्ज के लिए। जब भी हम लोग पॉइंट चार्ज से डाइपोल पे जाएंगे तो डाइपोल के लिए ये कंडीशन होगी E inversely proportional to R³। तो ये इस चैप्टर की इम्पोर्टेंट थियोरी है, बिकॉज इसमें मैथमेटिकल टर्म, डायग्राम और सिंपल सा एक्सप्लेनेशन है, तो 2 marks कंटेन करती है ये थियोरी, तो आपको ये थियोरी के सारे मैथमेटिकल स्टेप आने चाहिए। सो ये एक थियोरी कंप्लीट हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन द एक्सिस। अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम लोग इक्वेटर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन इक्वेटोरियल पॉइंट। अब इक्वेटोरियल पॉइंट, मैंने आपको इक्वेटोरियल लाइन दिखाया था, जब भी इस डाइपोल के जो एक्सिस है उस एक्सिस से परपेंडिकुलर लाइन बनाएंगे, बट कंडीशन वो लाइन कहां से पास होगी, डाइपोल के सेंटर से, तो इसी लाइन को बोलेंगे हम लोग इक्वेटोरियल लाइन और इसी लाइन के किसी एक पॉइंट को बोलेंगे इक्वेटोरियल पॉइंट। तो इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन करना है, तो इस थियोरी के लिए भी डायग्राम सबसे इंपॉर्टेंट। तो पहले डायग्राम में आपको एक्सप्लेन करता हूं। सो ये एक डायपोल बनाई हमने, प्लस क्यू माइनस क्यू चार्जेस, दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस हो जाएगा 2a। ये डायपोल का सेंटर O, तो ये मिड पॉइंट है, तो ये 2a डिस्टेंस को हमने डिवाइड किया स्मॉल a स्मॉल a। अब इक्वेटोरियल पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। इक्वेटोरियल पॉइंट मतलब ये जो सेंटर से लाइन पास हो रही है परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया इक्वेटोरियल पॉइंट। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमें कैलकुलेट करनी है। अब सेंटर से इस पॉइंट का डिस्टेंस, तो ये हमने मान लिया स्मॉल r। अगर ये स्मॉल r डिस्टेंस है और ये स्मॉल a डिस्टेंस, तो ये हाइपोटेन्यूस हो जाएगा R² + E² सेम डिस्टेंस यहां पे भी आ जाएगा R² + E² मतलब ये दोनों साइड के लिए डिस्टेंस सेम हो गया।
इसको हमने मान लिया पॉइंट पी। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, कैलकुलेशन तो इजीली हो जाएगा मैग्नीट्यूड का, बट जब डायरेक्शन की बात करेंगे तो ये प्लस क्यू, तो प्लस क्यू की डायरेक्शन हो जाएगी रेडियली आउटवर्ड्स, मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू डिफाइन करेगा, और ये माइनस क्यू मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड टूवर्ड्स दी रेडियस, मतलब ये डायरेक्शन हो जाएगी इनवर्ड्स, ई ड्यू टू माइनस क्यू। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज होगा और ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। अब इस दोनों फील्ड की डायरेक्शन आप देखिए तो इसका रिजल्टेंट जो मिलेगा ये होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऑन इक्वेटोरियल पॉइंट, ये फाइनल डायरेक्शन, फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आ जाएगी। अब दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज इस थियरी के अंदर, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन, मतलब डाइपोल की डायरेक्शन, तो माइनस क्यू टू प्लस क्यू डाइपोल की डायरेक्शन इस तरफ हो गई और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इससे अपोजिट। तो इसका मतलब जब भी हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे और जहां पे यूनिट वेक्टर पी यूज करेंगे तो डायरेक्टली माइनस की साइन आएगी। तो इस नेगेटिव चार्ज का, नेगेटिव साइन का इंपॉर्टेंस आपको डायग्राम से ही पता चलेगा, वो आपको मैं कैलकुलेशन में एक्सप्लेन करूंगा। बट ये एक चीज याद रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए अपोजिट होती है, इसीलिए हमें नेगेटिव की साइन दिखेगी फाइनल फॉर्मूला तक। अब कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं, पहले ये प्लस क्यू माइनस क्यू, ये सेंटर ओ, दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस 2a, इतना डिस्टेंस स्मॉल है, ये भी डिस्टेंस स्मॉल है हो गया, तो ये दोनों हाइपोटेनियस सेम वैल्यू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब यहां से मिलेगा हमें पॉजिटिव क्यू की डायरेक्शन और यहां से मिलेगी माइनस क्यू की डायरेक्शन, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू। अब इसी चीज को हम लोग फर्दर कैलकुलेशन में यूज करेंगे, हेयर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस इज सेम ऑल्सो फ्रॉम फिगर पी ए इज इक्वल टू पी बी, मतलब डिस्टेंस भी सेम। हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड का बेसिक फॉर्मूला है वो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड करेगा चार्ज एंड डिस्टेंस के ऊपर। यहां पे दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम, दोनों चार्ज के बीच का मतलब दोनों चार्ज से पॉइंट पी का डिस्टेंस भी सेम, मतलब आर भी सेम है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि दोनों चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम होगा, ई प्लस क्यू और ई माइनस क्यू दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड के क्यू अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर, डिस्टेंस कितना हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर उसका होल स्क्वायर, तो मतलब ये स्क्वायर रूट से ये स्क्वायर कट हो जाएगा, तो फाइनल आएगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये डायग्राम से जो हमें चीजें पता चली उस पॉइंट को हमने यहां पे नोट डाउन किया। तो जब भी इक्वेटोरियल लाइन आपको पूछा जाएगा एग्जाम के अंदर, तो पहली चीज पॉइंट पी को सेंटर से दिखाना है आपको, दूसरी चीज जो डिस्टेंस हमने टू ए कैलकुलेट किया था, टू ए जो हमने डिस्टेंस लिया है उसको हमने स्मॉल ए में डिवाइड किया, तो सेंटर से पी का डिस्टेंस हमने आर लिया, तो ये दोनों हाइपोटेनियस सेम होने चाहिए, ये एक चीज आपको ध्यान रखनी है। इसी दो पॉइंट से आपको पता चलेगा कि चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम, दोनों चार्ज से पॉइंट पी का डिस्टेंस सेम, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम ही होगी, मतलब मैग्नीट्यूड सेम होगा। अब जो कैलकुलेशन बाकी रहेगा वो सिर्फ डायरेक्शन के लिए, तो ये मैग्नीट्यूड का पूरा कैलकुलेशन हमने इस पार्ट में दिखा दिया। अब नेक्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, अब डायरेक्शन वाला पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको वापस डायग्राम के साथ एक्सप्लेन करता हूं। अब यहां पे हमें ये पता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो अब सपोज करते ये एंगल थीटा, तो ये भी एंगल बनेगा थीटा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू इसके दो कंपोनेंट कौन से आ जाएंगे, ई ड्यू टू प्लस क्यू कॉस थीटा, और यहां पे मिलेगा हमें इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू साइन थीटा। सेकेंड ये ई माइनस क्यू है, तो इसका भी एक ये भी सेम एंगल होगा, बिकॉज ये दोनों डिस्टेंस सेम, ये दोनों साइड भी सेम हो गई, तो ये हो जाएगा ई माइनस क्यू कॉस थीटा, और ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगा ई माइनस क्यू साइन थीटा। अब हमने अभी मैग्नीट्यूड को सेम दिखाया विद द हेल्प ऑफ डायग्राम कि दोनों चार्ज सेम है, चार्ज से पॉइंट का डिस्टेंस भी सेम है, तो मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। अगर मैग्नीट्यूड सेम है एंड डायरेक्शन अपोजिट होगा
तो उसका नेट कितना हो जाएगा, जीरो। इसका मतलब ये दोनों कंपोनेंट्स साइन थीटा वाले ये दोनों कंपोनेंट इक्वल एंड अपोजिट हो गए, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। तो हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से मिलेगी, कॉस थीटा की वजह से। तो इसी डायग्राम में हमें फाइनल आंसर क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज इक्वल टू 2E cos थीटा एट पॉइंट P। ये मैग्नीट्यूड की बात की हमने, 2E cos थीटा। तो अब इसी फॉर्मूला को हमें सिंप्लीफाई करना है, और दूसरा एक पॉइंट हमें डायग्राम से मिलेगा cos थीटा की वैल्यू। तो cos थीटा क्या हो जाएगा, इस ट्राइंगल को हमने कंसिडर किया तो cos थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, तो A अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये एक चीज हमें डायग्राम से पता चली, और दूसरा ये कंपोनेंट, और कंपोनेंट से साइन थीटा वाला कंपोनेंट कट हो गया। तो इसी चीज को हम लोग वापस नोट डाउन करेंगे और फर्दर कैलकुलेशन में यूज करेंगे। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस, हमने डायरेक्टली माइनस की साइन क्यू यूज की, मैंने आपको पहले ही डायग्राम में बताया इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन एंड डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन अपोजिट है, तो इसी अपोजिशन को दिखाने के लिए हमने माइनस की साइन दिखाई और यूनिट वेक्टर पी कैप भी यूज किया। तो E प्लस क्यू कॉस थीटा प्लस E ड्यू टू माइनस क्यू कॉस थीटा, साइन थीटा वाले दोनों कंपोनेंट कैंसिल हो गए, तो फाइनल होगा माइनस 2E cos थीटा पी कैप। माइनस 2E cos थीटा पी कैप के अंदर अब वैल्यू पुट करेंगे E, तो हमने मैग्नीट्यूड अभी कैलकुलेट किया फर्दर, तो मैग्नीट्यूड का आंसर क्या आया था हमारा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2 इंटू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू कॉस थीटा, और कॉस थीटा भी डायग्राम से हमने कैलकुलेट किया, ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेस टू हाफ पी कैप। अब इसमें से हम लोग 2AQ उसको साथ में करेंगे 4 पाई एप्सिलॉन 0 एज इट इज, और ये पावर 1 और ये पावर हाफ, मतलब ये हो जाएगा रेस टू 3/2 पी कैप। तो ये फाइनल आंसर आ जाएगा 2AQ, मतलब क्या हो जाएगा डाइपोल मोमेंट P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेस टू 3/2 पी कैप। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, बट इसमें भी वापस वही कंडीशन हम लोग यूज करेंगे। इफ इन दिस फॉर्मूला R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन A, तो यहां से हम लोग A को निग्लेक्ट करेंगे, तो फाइनल आंसर हमारा क्या बचेगा, E इज इक्वल टू माइनस P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, यहां से A को निग्लेक्ट करेंगे तो बचेगा R क्यूब, मतलब ये हो जाएगा माइनस KP बाई R क्यूब पी कैप। तो ये हमारा फाइनल आंसर। तो इस दोनों थियरी में हमें जो फॉर्मूलाज मिले उसके बीच में भी एक रिलेशन मिलेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन एक्सिस फॉर्मूला क्या आया था, 2KP अपॉन R क्यूब, यहां पे सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात की हमने, और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट ऑन इक्वेटर उसके लिए क्या फॉर्मूला मिला, केपी अपॉन आर क्यूब। तो इसका मतलब यह हो गया कि दोनों के बीच में रिलेशन क्या हो जाएगा, ट्वाइस, मतलब ई एक्सिस इज इक्वल टू 2 times ई इक्वेटर। ये एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। तो आज के इस लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की बेसिक डेफिनेशन, इसकी प्रॉपर्टीज, देन सॉरी इलेक्ट्रिक डायपोल की बेसिक डेफिनेशन प्रॉपर्टीज, एंड देन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल ऑन एक्सिस एंड इक्वेटोरियल पॉइंट, ये तीन चीजें कंप्लीट की। इसमें से ये दोनों थियरी एक्सिस एंड इक्वेटर की जो थियरी होगी वो आपके एग्जाम के लिए सबसे इम्पोर्टेंट। तो इस दोनों थियरी को आपको मैथमेटिकल स्टेप के साथ प्रैक्टिस करके आपकी बुक में नोट डाउन करना है। सो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे टॉर्क एक्टिंग ऑन अ डायपोल। थैंक यू।